हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गाइस डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस इस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस अच्छे होते हैं या फिर नॉन ऑटोनॉमस, और कौन से कॉलेज में हमें जो एडमिशन है वो लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉलेज अच्छे होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, और ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस लेने से हमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या डिफरेंस होता है ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बीच में और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बीच में। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बारे में। तो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी हैविंग लेस एकेडमिक फ्रीडम। तो ये जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं गाइस, ये यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड होते हैं, बट इनके पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं रहता है, इन्हें चेंजेस वगैरह करना रहता है तो ये नहीं कर पाते, और ज़्यादा इनके पास राइट्स भी नहीं रहते हैं। अब कैसे फ्रीडम नहीं रहता इनके पास और क्या सारी चीज़ें करना पड़ता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं इन्हें यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है गाइस वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है गाइस, जो भी पेपर होते हैं कॉलेजेस में, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस में सारे जो पेपर्स है गाइस वो यूनिवर्सिटी की तरफ से सेट होके आते हैं। जो पेपर पैटर्न है गाइस वो भी यूनिवर्सिटी ही बताता है, उस पेपर में कौन से क्वेश्चंस रहने चाहिए गाइस वो भी यूनिवर्सिटी में ही डिसाइड होता है, और वैसे ही पेपर सारे एफिलेटेड कॉलेजेस में होते हैं। पेपर पैटर्न इज सेम फॉर ऑल द एफिलेटेड कॉलेजेस। तो जो भी एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस है उन सारे कॉलेजेस में गाइस जो पेपर पैटर्न है वो सेम रहता है जो कि यूनिवर्सिटी उन्हें प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, कॉलेज कांट मेक एनी चेंजेस इन सिलेबस। अगर किसी कॉलेज को लगता है कि सिलेबस में कुछ चेंज करना है तो वो खुद से चेंज नहीं कर सकते गाइस। वो मे बी उन्हें यूनिवर्सिटी में लेटर लिख सकते हैं कि देयर शुड बी दिस टाइप ऑफ चेंज, बट जब भी कोई चेंज आता है गाइस तो वो पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस में है उनमें आता है। कोई भी कॉलेज को अगर चेंज करना है तो वो नहीं कर पाता है, यूनिवर्सिटी जब बोलेगी चेंज है तभी उन कॉलेजेस में जो चेंज है गाइस वो हमें देखने को मिलता है। पर्सनली कोई कॉलेज किसी भी चीज़ में ज़्यादा जो चेंजेस है वो नहीं कर सकता है। पेपर्स चेक बाय यूनिवर्सिटी पैनल, जो आपके पेपर्स है गाइस वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं चेक करने के लिए, आपके जो पेपर्स है वो कॉलेज में ही चेक नहीं होते। जो आपकी फाइनल एग्जामिनेशंस वगैरह होती है वो सारे जो पेपर्स है वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। नेक्स्ट है गाइस, इट टेक टाइम टू अपडेट सिलेबस। तो जैसे गाइस मैंने आपको बोला कि अगर किसी कॉलेज को सिलेबस में चेंज करना है तो वो नहीं कर सकता है, जब यूनिवर्सिटी में चेंज आता है या फिर यूनिवर्सिटी पैटर्न चेंज करता है तभी गाइस जो सिलेबस है या फिर जो आपका पैटर्न है उसमें चेंज आता है। और जब यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अलग अलग पैनल्स रहते हैं, अलग अलग एफिलेटेड कॉलेजेस रहते हैं, सभी से ओपिनियंस और बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो जिसके वजह से सिलेबस में अपडेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एक और अच्छी बात होती है गाइस नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस की कि यूनिवर्सिटी कीप्स आई ऑन कॉलेजेस, और जो यूनिवर्सिटी है गाइस उनका प्रेशर रहता है नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस के ऊपर, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उनका एक टाइम रहता है, उनका एक शेड्यूल रहता है, उसी टाइम पे वहाँ पे एग्जामिनेशंस वगैरह होती है, और सारे एफिलेटेड कॉलेजेस को उसी टाइम पे फिर जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करना पड़ता है ताकि सभी एफिलेटेड कॉलेजेस की जो एग्जामिनेशंस है उसी टाइम पे हो और सारा जो शेड्यूल है गाइस वो फॉलो हो। तो जो अलग अलग कॉलेजेस होते हैं गाइस एफिलेटेड कॉलेजेस उन्हें अच्छी तरीके से गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है, जैसे यूनिवर्सिटी बताते हैं जो शेड्यूल देते हैं उसी शेड्यूल के ऊपर उन्हें जो कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ता है, लेक्चर्स ऑन टाइम देना पड़ता है ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो फ्लो में चले, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात होती है। अब बात करते हैं गाइस हम ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बारे में, इनके पास काफ़ी सारा फ्रीडम होता है और काफ़ी सारे चेंजेस भी ये कर सकते हैं। एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी हैविंग एकेडमिक फ्रीडम, जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है गाइस ये भी एफिलेटेड ही होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट नहीं होते हैं, बट इनके पास गाइस काफ़ी सारा जो फ्रीडम है वो होता है, ये काफ़ी सारे जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। Not to follow all the university guidelines, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी का जैसा ही पैटर्न है वैसा ही इन कॉलेजेस में पैटर्न रहेगा, यूनिवर्सिटी ऐसा बोलेगी कि इसी मंथ में आपको एग्जामिनेशन लेना है तो इसी मंथ में लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है गाइस उन्हें जब एग्जामिनेशन लेना है वो तब ले सकते हैं, उनके पास वो फ्रीडम रहता है। नेक्स्ट है गाइस, पेपर सेट बाय कॉलेज, ठीक है, तो जो भी आपके पेपर्स है गाइस वो कॉलेज में ही सेट किए जाते हैं, जो आपके टीचर्स हैं मे बी जो आपको पढ़ा रहे हैं वही आपका जो पेपर है वो सेट कर सकते हैं, ऐसा हमें ऑटोनॉमस कॉलेजेस में देखने को मिल सकता है। इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि जब आप लेक्चर्स में पढ़ते हो तो मे बी आपको ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पेपर्स में आ रहे हो, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं वही आपके जो पेपर्स है गाइस वो सेट करते हैं।
नेक्स्ट है पेपर पैटर्न इज़ डिफरेंट ऑफ दिस कॉलेजेस। तो काफ़ी सारे अलग अलग ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं गाइज, तो हमें ऑटोनॉमस कॉलेजेस में अलग अलग ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जो पेपर पैटर्न है उसमें थोड़ा जो डिफरेंस है गाइज वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है वो फॉलो नहीं करते, इनका अपना अलग अलग पैटर्न होता है। तो अलग अलग पैटर्न में अलग अलग ऑटोनॉमस कॉलेजेस में हमें देखने को मिल जाता है, बट सारे जो पैटर्न है गाइज वो अच्छे ही रहते हैं, इससे आपका ही फायदा होता है। कॉलेज कैन चेंज द सिलेबस, अगर किसी कॉलेज को लगता है ऑटोनॉमस कॉलेज को कि इंडस्ट्री में इस चीज़ की नीड है और ये सारी चीज़ें हमें हमारे सिलेबस में रहनी चाहिए, तो वो अपने सिलेबस में चेंज कर सकता है यूनिवर्सिटी से ज़्यादा परमिशन या फिर ज़्यादा उन्हें मतलब ज़्यादा परमिशंस वगैरह की ज़रूरत नहीं लगती, वो जल्दी से चेंज कर सकते हैं। अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट ये जल्दी चेंज कर सकते हैं। पेपर्स चेक्ड इन कॉलेज एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि आपके पेपर्स कॉलेज में ही बनते हैं और कॉलेज में ही चेक होते हैं, तो इससे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिल भी सकता है। ठीक है, किसी किसी कॉलेज में मे भी होता होगा कि अगर सपोज स्टूडेंट का झगड़ा वगैरह हो गया टीचर्स के साथ और वही टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है तो मे भी कुछ हो सकता है, बट मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके कॉलेज है उसी में पेपर चेक हो जाता है और अच्छे से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका कोई झगड़ा वगैरह हुआ और आपको कम मार्क्स वगैरह दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है गाइज सिलेबस गेट अपडेट क्विकली, तो जैसे गाइज मैंने आपको बोला कि अगर किसी कॉलेज को लगता है ऑटोनॉमस कॉलेज को चेंज करना चाहिए तो जल्दी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बॉडी है उसी में चेंज करना है तो जल्दी हो जाता है। जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है वहाँ पे काफ़ी सारे एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, एक भी चेंज करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, बट ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जो चेंजेस है वो जल्दी से आ जाते हैं और उसमें इंप्लीमेंट भी जल्दी से हो जाता है। तो ये थे गाइस कुछ पॉइंट्स, इससे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं गाइस कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो नॉन ऑटोनॉमस की फ़ीस गाइस ऐसा देखा गया है कि जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है गाइस वो थोड़ा कम होता है, कम फीस पे करना पड़ता है। जितना मैंने अलग अलग कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर देखा है गाइस, मुझे ये देखने को मिला कि जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है गाइस वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस। ठीक है, इनकी थोड़ी जो फ़ीस है वो हाई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस यहाँ पे जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस है गाइस उनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा लो जाता है, क्योंकि एफिलेट जो कॉलेज है गाइस जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस है जो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, ऐसे काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ कॉलेज बहुत बढ़िया रहते हैं उनका कट ऑफ काफ़ी बढ़िया जाता है, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस है उनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा लो जाता है, बट जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है उनका जो कट ऑफ है वो आपको हाई देखने को मिल जाता है। स्पेशली जो CS ब्रांच है, IT ब्रांच है, ENT से इन सारे ब्रांचेस का जो हमें कट ऑफ है वो काफ़ी हाई देखने को मिलता है ऑटोनॉमस कॉलेजेस को। ठीक है, और ऑटोनॉमी ऐसी ही नहीं मिल जाती गाइस, ऑटोनॉमी मिलने के लिए भी क्राइटेरिया रहता है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, सब कुछ देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ पे कौन से टीचिंग फैकल्टीज अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, तभी जाके किसी भी कॉलेज को ऑटोनॉमस का जो स्टेटस है वो मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए तो हमने इतने पैसे दिए हमको ऑटोनॉमी मिल गई, ऐसा नहीं होता है। वो एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाद ही आपको जो ऑटोनॉमी की स्टेटस है उन कॉलेज को मिलता है। ठीक है, तो जो ऑटोनॉमस रहते हैं वहाँ पे एडवांटेजेस भी ज़्यादा होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नॉट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस में ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड होते हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आते हैं। ऑटोनॉमस कॉलेजेस के ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस रह सकते, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, बट इससे आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते गए इस कुछ मिथ्स के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत सारे लोगों की या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग मिथ्स होती है। किसी का ये कहना होता है कि यार ऑटोनॉमस कॉलेज में कभी बैक नहीं लगता है क्योंकि कॉलेज में ही पेपर बनाया जाता है और कॉलेज वाले ही चेक करते हैं, तो हमारा वो क्यों बैक लगाएंगे, क्यों कॉलेज का नाम खराब करेंगे, तो ऐसा वगैरह नहीं रहता। ये कुछ मिथ्स है जो स्टूडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, किसी का ये भी कहना होता है कि यार अगर ऑटोनॉमस कॉलेज मिल गया तो प्लेसमेंट तो पक्का ही हो जाता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे प्लेसमेंट का थोड़ा इशू हमें देखने को मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको ऑटोनॉमस कॉलेज मिल गया तो आपको बस प्लेसमेंट मिल ही जाएगा और अगर आपको नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज मिला तो आपको प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। जब हम कॉलेज देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखना पड़ता है, कैसा इसका प्लेसमेंट का प्रीवियस से स्टेटिस्टिक्स है, क्या यहाँ पे फैकल्टीज़ है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैंपस कैसा, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन वगैरह पूछ लेना, आपके मन में अगर कोई मिथ होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर से आंसर कर दूंगा। ठीक है,
अब माय सजेशन वाले सेक्शन में गाइज मेरा क्या सजेशन है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइज, ऑटोनॉमी कोई भी कॉलेज को नहीं मिलती है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी कॉलेज को ऑटोनॉमस जो स्टेटस है वो नहीं मिलता है, ठीक है। ऑटोनॉमस स्टेटस के लिए काफ़ी सारी जो चीज़ है वो करना पड़ता है। अभी बहुत सारे जो कॉलेजेस है गाइज वो ऑटोनॉमस बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे वो पहले ऑटोनॉमस नहीं थे, 2-3 साल पहले ऑटोनॉमस नहीं थे, बट अब ऑटोनॉमस हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी बढ़िया मतलब रिकॉर्ड्स किए, काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए, तब जाके जो ऑटोनॉमी है गाइज वो मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको एक ऑटोनॉमस कॉलेज मिल रहा है गाइज तो एक बहुत ही बढ़िया बात है, बट जब ऐसे आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो तो उस कॉलेज के हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में थोड़े अच्छे तरीके से देख लेना, सीनियर्स को भी पूछ लेना कि कैसा कॉलेज वगैरह, क्योंकि कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलती है, बट जनरली जितने मेन मेन ऑटोनॉमस कॉलेज है गाइज वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, वहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बहुत बढ़िया हो सकता है। और अगर बात करूँ गाइज नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बारे में तो ये भी कॉलेजेस गाइज काफ़ी बढ़िया होते हैं, बट जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस है गाइज जो एफिलेटेड होते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, इनका जो नंबर्स है बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है, ठीक है। तो इनमें से कुछ कॉलेज बहुत ही बढ़िया रहते हैं जिनमें आपको प्लेसमेंट जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बढ़िया मिलेगी, बट कुछ कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं होते हैं जहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिलता है तो थोड़ा रिग्रेट जैसा भी होता है। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं नॉन ऑटोनॉमस में, क्योंकि वहाँ पर बी ग्रेड कैसे अगर आपको कॉलेज मिलता है तो इससे आपको थोड़ा रिग्रेट हो सकता है आगे जाके, बट जो ऑटोनॉमस कॉलेज होते गाइज इनका जो नैक ग्रेड है वो A+ ऐसा भी रहता है, जिससे आपको काफ़ी फायदे होते हैं और आगे जाके भी आपको मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आपको ज़्यादा मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है गाइज कि जैसे मैंने आपको बोला कि जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं इनका जो कट ऑफ है वो हाई जाता है। अब ये टोटली डिपेंड करता है गाइज आपके ऊपर कि अगर आपको एक 90-95% के आप आसपास है तो आप वही कॉलेज देखोगे ना जहाँ पे जो कट ऑफ है वो हाई जा रहा है, जो कॉलेज बढ़िया है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर आपके पास 60% ही आपको मिले है तो अगर आपको उस कैटेगरी में ऑटोनॉमस या फिर बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको वैसे कॉलेज देखना ही पड़ेगा जिन कॉलेज का जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास जाता है। तो अगर आपके पास ये चॉइस है कि मेरे को ये कॉलेज लेना है या फिर ये कॉलेज लेना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए जा सकते हो, और अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है मेरे को ये कॉलेज लेना है तो मैं आपको यही बोलूँगा गाइस नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी बढ़िया रहते हैं, बस एक बार चेक कर लेना कि वहाँ पे कैसे सारी जो चीज़ें हैं वो है, उनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, बाकी तो कॉलेजेस अच्छे रहते हैं। कुछ कॉलेजेस ही ऐसे होते हैं जो मतलब एकदम ही डल या फिर एकदम ही बेकार होते हैं, उनके बारे में आपको पहले से ही समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने सीनियर से या फिर दोस्तों को भी पता रहता है उनसे भी रिव्यूज़ लोगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो कॉलेज कैंपस टूर या फिर कॉलेज रिव्यू के जो वीडियोज़ हैं वो देख लेना, जिससे आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। और मैं कट ऑफ्स की वीडियोस डालता ही हूँ तो वो भी आप देख लेना, उससे भी आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।